गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, दिवाली की रात ही है, अभी 3:30 हो गया है और आज पूरा रात हम लोग नहीं सोए हैं, पैकिंग एंड ऑल। फिर वहाँ जाके मैं पहुँच के बताऊँगी और क्या बात थी। ये बच्चा 2:30 बजे के आसपास, 2:15 बजे के आसपास सोया और लेटा और सो गया। कह रहा था मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, लेकिन इतनी सुबह से उठा हुआ है तो इसको भी नींद आ गई। अब जाने का समय सिर्फ 1 ही घंटा ये सो पाया है। अभी इसकी नींद लगी है तो बहुत गहरी नींद में है, उठाना मुश्किल हो रहा था और डर भी लगता है कि इतनी जल्दी बच्चे को उठाओ ना तो फिर वो परेशान होने लगते हैं ना, क्रैंकी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। किसी तरह धीरे धीरे करके मैंने उठाया, लगेज वगैरह सब हमने पैक ही कर रखा था पहले से। चले कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पूरा सामान वगैरह करके पैक है ना। और हमने ना टैक्सी बुक करने की बहुत कोशिश की, बट इतनी रात को कोई भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सिचुएशन का अंदाज़ा हमने पहले से ही थोड़ा लगाया था, तो हमारे रिलेटिव रहते हैं पास में ही, हमने उनसे बोल के रखा था कि हम अपनी ही गाड़ी में जाएंगे एयरपोर्ट, वो हमारे साथ चलेंगे और फिर वापसी में गाड़ी वो ला करके और सोसाइटी में लगा देंगे। ये हमने बात उनसे करके रखी थी। बहुत हमने ट्राई किया लेकिन बुकिंग जब नहीं मिली फिर हमने उनको कॉल किया और अभी हम अपनी गाड़ी में ही लगेज रख रहे हैं। और वैसे भी काफ़ी रात थी तो थैंकफुली कोई हमारे साथ में था जाने के लिए। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। जय भगवान जी की कर लो। जय भगवान जी की। मैंने बाय बाय बोल के चला गया। नहीं। और हम लोग सफ़र कर रहे हैं सुहाना। हम सफ़र कर रहे हैं सुहाना, दादाजी के घर हमें जाना। जर्नी वन बनाया, जर्नी वन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये क्या हुआ, जर्नी ऊपर बैग गिर गया। जर्नी फ्रॉम द दिल्ली टू द गाँव, जर्नी वन। और बस हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे हैं इधर से और उधर से, ये देवर लगते हैं मेरे रिलेशन में, उधर से ये गाड़ी लेकर आएंगे। और ये पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट के पास में। देख के ऐसा लगा था सुबह सुबह आए भीड़ नहीं होगी अंदर लौट में तो वैसे, लेकिन भीड़ देख लो बहुत ज्यादा भीड़ है। दिवाली की अगली रात होगी मतलब नेक्स्ट डे, भीड़ नहीं होगी।
और बस हम लोग लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये पटना का है जो सारा आप अभी देख रहे हो, और यहाँ पहुँचते ही फिर लगने लगता है, फील तो आने लगता है कि हाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ से पटना से हमें 3.5 घंटे का सफ़र बाय रोड और करना है अपने गांव पहुँचने के लिए। पापा जो है ना ऑलरेडी गाड़ी बुक करवा के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे, हम लोगों से पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही वो पहुंच गए थे। तो फिर यहाँ से हमें ज़्यादा बुकिंग में या फिर कैब बुकिंग में टाइम नहीं लगता, हालांकि कैब मिल जाती है, लेकिन फिर काफ़ी सुबह सुबह का समय था तो पापा ने बोला कि नहीं मैं ही लेकर आ जाऊँगा गाड़ी। तो बस अब आपको विलेज व्लॉग मिलेंगे। मैं भी सुपर एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है आप लोगों की कमेंट से कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। और बस देखिए लैंडिंग होने ही वाली है। जैसे कि हमारी मॉर्निंग की एकदम अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी तो उसमें ब्रेकफास्ट जो होता है वो मिलता है, लेकिन क्योंकि कोविड चल रहा है तो उस वजह से ब्रेकफास्ट उन्होंने रखा नहीं था, तो भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। और फिर हमारा तो ये मन था कि हाँ पटना में उतरेंगे तो वहाँ कुछ खाएंगे देसी अपनी तरफ का खाना। तो लगभग 40 मिनट हमने रोड पर ड्राइव किया, उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक जगह रुके जहाँ पर हमने खाया लिट्टी और उसके साथ में आलू और चने की सब्ज़ी रखी थी। इन्होंने वैसे चोखा भी चलता है लेकिन यहाँ पर आलू और चने की सब्ज़ी थी, और साथ में हमने पी एकदम मज़ेदार कुल्हड़ वाली चाय। हाँ नहीं चाय चाय बना दीजिए। फोटो ले रहे हैं फोटो ले रहे हैं, फोटो आपका दिखाएंगे कहीं हम फर्स्ट क्लास। चाय का आनंद लो, दे दो मुझे। मजा आ रहा है? मैं इसमें मलाई चाहिए। लेकिन चाय जबरदस्त है। और बस हम पहुंच चुके हैं अपनी गांव की साइड में। आपको यहाँ के घर वगैरह देख के समझ आ गया होगा, लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही शूट किया था। और स्क्रीन एकदम ग्रीन ग्रीन हो गई है, चारों तरफ पेड़ पौधे और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर। यहाँ की जो सांस है ना वो आप एक उसमें अलगाव फील कर सकते हो। जो सिटी में हम जब सांस लेते हैं ना तो उसमें
एक धूल मिट्टी अजीब सा एक पॉल्यूशन सा आपको फील होता है। और जब आप ऐसी जगह पे जाते हो, चाहे तो गांव या फिर किसी हिल स्टेशन आप जाओ ना, तो आपको एक हवा में ताजगी महसूस होती है। ऐसा लगता है ना कि सांस लेने पे ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है आपकी नोज़ के अंदर, आपके लंग्स के अंदर। तो वो चीज़ यहाँ पे ब्रीदिंग में फील हो रही थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। पहुँच गया घर। बोले दादी, ये जल्दी खोलो। नहीं कुछ करवा दिया तो जारी भी दीदी। ध्यान से तो ना पता चलता ना मेरे। चलो हम लेके आते हैं। काय ऊपर मत गिरेगा। गुड इवनिंग। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 12:30 बजे के आसपास। आप देख सकते हो हालत क्या हो रखी है। एक्चुअली अभी वैसे तो 6 बज गया है शाम का। हम लोग आए, फिर फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, फिर हम लोग सो गए और उठे भी अभी टाइम हो चुका है, लेकिन मेरे भी सर में दर्द है। आज दिन भर से दर्द है। इवन मेडिसिन खाने के बाद भी ना दर्द ठीक नहीं हो रहा है मेरा। तो इस साइड की नस जो है यहाँ से यहाँ तक वो पूरा पेन कर रही है। और आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी सिद्धार्थ की, कितनी तेज तेज चिल्ला रहा है। जब से आया तब से खेल रहा है, वो सोया भी नहीं, आराम भी नहीं किया, बस खाली नहाया, खाना भी ढंग से नहीं खाया उसने, बाकी खेलने में लगा हुआ है। तो एक्चुअली ना दिवाली वाले दिन हम लोग सुबह उठ गए थे वही 6:30 के करीब। पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेरा बिजी था, आप लोगों ने देखा ही, बहुत काम था उस दिन। बाहर भी आना जाना पड़ा और भी कुछ अलग अलग काम थे। हर काम ऐसे नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बहुत सारे काम थे उस दिन। मतलब हम लोग करते ही जा रहे थे। फिर 1:30 बजे तक हमने पैकिंग अपनी फिनिश की और उसके बाद 3 बजे रात को हमें निकलना था। वैसे हमने प्लान किया था कि हम सो जाएंगे, 1-2 घंटे की नींद ले लेंगे फिर, लेकिन हमें नींद ही नहीं आई। और लास्ट आवर में क्या हुआ कि सिद्धार्थ का आधार कार्ड नहीं मिल रहा था, खो सा गया। आधार कार्ड समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ गया। पूरा बेड हमने फिर से खोला, सब कुछ करते करते 1 घंटा हमें आधार कार्ड ढूंढने में लगा, फिर मिल गया आधार कार्ड। तो ऐसा कुछ हुआ तो हम पूरी रात नहीं सोए। उसके बाद 3:30, 4:30 बजे हम लोग घर से निकले हैं शायद। और उसके बाद फिर कहाँ सो सकते थे, फिर सीधा यहाँ 12:30 बजे आए। बीच में ना फ्लाइट में थोड़ी देर 20 या 25 मिनट के लिए मेरी आँख लगी, फिर एक बार गाड़ी में जब हम बीच में थे तब थोड़ी देर मेरी आँख लगी। ऐसे करके बस बीच बीच में आँख लगी है, लेकिन पूरा दिन हम लोग इतने टायर्ड थे, फिर पूरा रात हम लोग इतना जगे रहे, सोए नहीं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गया मुझे भी और हस्बैंड को भी। तो उसको उतरने में लगेगा 1-2 दिन, क्योंकि फेस्टिवल वाला जो घमासान काम चल रहा था ना, तो उसमें टाइम लगेगा। और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और बस ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अगले व्लॉग में मैं आपको मम्मी पापा से भी मिलाऊँगी। फ़िलहाल ये वाला जो हमारा जर्नी वाला व्लॉग था दिल्ली से लेकर यहाँ तक, वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।